The question given is if cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to 0 and sin alpha plus sin beta plus sin gamma equals to 0, then prove that cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma equals to sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma equals to 0. तो हमें given है कि cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to 0 and sin alpha plus sin beta plus साइन गामा इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर हम इसको आई से मल्टीप्लाई करके एक बार ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू डी मॉवर्स थ्योरम हमें मिलेगा e to the power i alpha plus e to the power i beta plus e to the power i gamma equals to 0. अब एक बार अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, cos alpha minus i sin alpha plus cos beta minus i sin beta plus cos gamma minus i sin gamma is equal to 0. That means e to the power minus i alpha plus e to the power minus i beta प्लस ई टू द पावर माइनस आई गामा इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर हम इसको लिखें कि ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा को अगर हम ए वन बाई ए ले लें, ई टू द पावर माइनस आई बीटा को वन बाई बी और ई टू द पावर माइनस आई गामा को वन बाई सी, तो हमें मिलेगा वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी इक्वल टू ज़ीरो. ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ज़ीरो. अब अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. और ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा हमारा, ए टू द पावर आई अल्फ़ा प्लस ए टू द पावर आई बीटा प्लस ए टू द पावर आई गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू द पावर आई टू अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर आई टू बीटा प्लस ई टू द पावर आई टू गामा प्लस ज़ीरो, क्योंकि अभी हमने देखा इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो है. दैट मीन्स कॉस टू अल्फ़ा प्लस आई साइन टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा प्लस आई साइन टू बीटा प्लस कॉस टू गामा प्लस आई साइन टू गामा इज इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा प्लस आई कॉमन ले ले तो साइन टू अल्फ़ा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग से सॉल्व करें तो हमें मिलेगा कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा. यही हमें प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूव्ड दिस इज आवर सॉल्यूशन.